क्या कैप का एडिशन प्लस कैप का इनटू अपॉन सामने वाला, दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन। कितना टाइम लग रहा है आपको, खुद से देखो ना, मैंने अब आपको करके दिखा दिया, 5 सेकंड ज्यादा आपको लग गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन, माय नेम इज अभिषेक साहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन रेजिस्टेंसेस का, किस तरह से करते हैं स्टार का डेल्टा में कन्वर्जन और डेल्टा का स्टार में कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो को पूरा देख गए ना तो आज के बाद कभी भी दोबारा से जिंदगी में भूलोगे नहीं। और एक और चीज, अगर भूल जाओ ना पूरा देखने के बाद, तो बाद में आके मेरी वीडियो को डिसलाइक करके जरूर जाना, लेकिन मैं आपसे कहता हूं वीडियो को पूरा देख गए तो आपको कभी जिंदगी में ये नौबत नहीं आएगी कि वीडियो को डिसलाइक करने आ पाओ। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, बहुत प्यार से एक छोटी सी बात कहूंगा कि मैं पूरा देखने की क्यों कह रहा हूं। कुछ स्टूडेंट जो है किसी चीज को एक बार में एक्सप्लेन करने पर समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट दूसरी बार पे, और कुछ स्टूडेंट जो है इंपेशेंस होकर के वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, भाई तब तक आपके लिए तीसरा एग्जाम्पल वेट कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए कहता हूं कंप्लीट देखोगे तो फिर मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि भाई आपको समझ में आएगा। और यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं आपके 15 मिनट ले रहा हूं तो बस आपको समझ में आए, और बस इसी चीज पे मैं कॉन्फिडेंट हूं कि भाई आपको समझ में आएगा। क्लियर है तेरी बात? अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कई बार ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती है कि हमें जो है ना कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन से ही काम चलाना पड़ता है। जैसे आप अभी भी नहीं बात को समझे, मैंने कहा मेरे पास अगर कुछ रेजिस्टेंसेज इस तरह से दी हुई हैं, जैसे मान लो एक मिनट का टाइम देना, थोड़ा सा जो है ना, मान लो अगर रेजिस्टेंसेज मेरे पास इस तरह से दी हुई हैं, ठीक है, इस तरह से रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं, करंट पास हो रहा है यहां से ए, और जो है ना लीव कर रहा है यहां तक, यानी कि एंटर करेगा यहां से और लीव करेगा यहां से। अब इस क्वेश्चन को और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ये हो गया 2R, ये हो गया 3R, ये हो गया 4R, ये हो गया 5R, ठीक है, ये 6R, ये 7R, ये 8R, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन मुझे मिल गया, अब मैं चाहूं कि यहां पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दूं और केवल उससे काम बन जाए तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि यहां पे बड़ी प्रॉब्लम होगी, सारी वैल्यूज अलग अलग हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा लगेगा नहीं, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में मुझे स्टार डेल्टा नेटवर्क से काम चलाना पड़ता है, ठीक है, पहचानना पड़ता है कि क्या मेरा डेल्टा नेटवर्क बन रहा है। अगर डेल्टा नेटवर्क बन रहा है तो फिर मैं उसको स्टार में कन्वर्ट करके काम चला सकता हूं। काम क्या चला सकता हूं, आंसर मेरा बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप यहां तक समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको छोटी सी एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे मान लो ये दोनों, जैसे मान लो करंट यहां से पास होगा और यहां जाएगा, तो ये दोनों आपको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं 2R और 3R, तो क्या मैं इनकी जगह 5R लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल, तो मैंने इनकी जगह 5R लिख दिया सीरीज में, ठीक है। अब देखो यहां से जो भी करंट पास होगा, देखो यहां से जो भी करंट आया, अब मुझे ये सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है, लेट्स से ये कितना दिया था हमने इसको 6-7R, ठीक है, ये देखो ये सीरीज, जो भी करंट जाएगा वो इससे ही पास होगा, इससे ही पास होगा, तो 8 और ये 15R, ये मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, ये मैंने 15R लिख दिया। ध्यान से देखना, क्या मुझे यहां पे डेल्टा नेटवर्क दिख रहा है? दिख रहा है, देखो ये तीन ट्रायंगल, मतलब देख रहे हो, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, देखना ध्यान से, एक करंट ऊपर जा रहा है, एक यहां, क्या मैं इसको कन्वर्ट इस तरह से कर सकता हूं? ये देखो, देखना ध्यान से, क्या मुझे ये डेल्टा दिखाई दे रहा है? इतना डेल्टा मतलब ट्राइंगल के फॉर्म में, बिल्कुल दिख रहा है, देखो ये बना दिया मैंने। अगर मैंने इस डेल्टा को स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये बहुत बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो ध्यान से देखना, अगर आप इस डेल्टा को स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल इतना हो जाएगा, जैसे मान लो अभी मुझे नहीं पता ना कितना, जैसे मान लो करंट यहां आ गया, ठीक है, इस पॉइंट कुछ और पोटेंशियल होगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, तो इस पॉइंट कुछ और पोटेंशियल होगा, फिर करंट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तमाम बातें खत्म हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको डेल्टा को स्टार के फॉर्म में, यानी कि इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा आंसर बहुत फास्ट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आंसर इस तरह से आ जाएगा। अभी आपको समझ में आधा आ रहा होगा क्योंकि मैं आधे सॉल्व करा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये और ये देखो पैरेलल में होगा, ये सीरीज में होगा, अपना आंसर खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि कहां पर आपको स्टार डेल्टा के कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से कई सिचुएशन होती है जहां पर आपको डेल्टा स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है। तो अब आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन की नीड यानी कि जरूरत समझ में आई। अब देखते हैं कि कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है।
क्लियर है। तो देखो ये मेरे पास एक डेल्टा नेटवर्क है, लेट से मैंने कहा कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो है इस, ये है आर ए, यह आर बी और यह है आपकी नीचे वाली आर सी। क्लियर, मैं चाहता हूं कि ये जो है ना, ये जो है ना इस शेप में आ जाए, ठीक है। ये कैसे होगा, तो ये सिर्फ ऐसे होगा, इस आर ए आर बी की जगह, इस आर ए आर बी की जगह मैं चाहता हूं कि आर वन रेजिस्टेंस आ जाए। दैट मीन्स इन दोनों को कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं इस तरह से, ठीक है, इन दोनों को कन्वर्ट करना चाहता हूं इस तरह से, यानी कि अब आप इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को कन्वर्ट करना चाहता हूं इस तरह से, दैट मीन्स आर वन, ठीक है। अब देखो एक ब्रांच मैं चाहता हूं ऐसे, तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों की जगह ये ब्रांच आ जाए, ये हो गई आर टू, इन दोनों की जगह ये आ जाए, ये हो गई आपकी आर थ्री, ठीक है। तो अब मुझे यहां पे जरूरत क्या पड़ी, यहां पे सिर्फ इतनी जरूरत पड़ी कि आर ए आर बी की जगह आर वन बना दूं, आर ए आर सी की जगह आर टू बना दूं, आर बी आर सी की जगह आर थ्री बना दूं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो बस अब कन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि आपने आर वन को कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स आर वन बनाना है। तो देखो आर वन किन दोनों के बीच की ब्रांच है, बोला ये देखो आर ए आर बी, यानी कि पड़ोसी, पड़ोसी का इंटू करना है और सबका डिवाइड करना है। जब पड़ोसी लड़ते हैं सारा मोहल्ला देखने आ जाएगा, ठीक है। तो पड़ोसी का इंटू ये आर ए आर बी, ये देखो इसके पड़ोसी हैं, इसके पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी का इंटू आर ए आर बी, पड़ोसी का इंटू और सारे मोहल्ले का डिवाइड, आर ए आर बी आर सी, ये मेरा फॉर्मूला बन गया आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी एडिशन में, ठीक है। इसके बाद देखो अब मुझे करना है, अगर आर टू का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, देखो आर टू, आर टू, आर टू किसका पड़ोसी है भाई, किसके बीच में आ रहा है, आर ए और आर सी के बीच में, तो आर ए आर सी सबका एडिशन, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इसी तरह से अगर मुझे आर थ्री बनाना है तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पे देखो हाँ जी आपका ये आर बी आर सी, आर बी आर सी डिवाइडेड बाय कितना, सबका आर वन, दैट मीन सॉरी आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। ये हो गया अपना, बस कुछ नहीं करना। अब अगर सेम क्वेश्चन आपको डिजिट्स के फॉर्म में दे दिया जाता तो क्या करोगे, आराम से हो जाएगा ना। मतलब अब मैं अगर आपको एक का कन्वर्ट करके दिखा दूं, कर दोगे कन्वर्ट, लेट से मान लो कि मेरे पास ये एक स्टार, मतलब ये एक मेरे पास डेल्टा है, अब स्टार में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास डेल्टा है, ये रहा मेरे पास, आप मान लो इसको कि ये हो गया मेरे पास टू थ्री, और ये कहने का मतलब क्या करना है कि पड़ोसी का इंटू और सबका डिवाइड, पड़ोसी का इंटू सबका डिवाइड। मुझे इसकी जगह, ये टू थ्री की जगह एक नई रेजिस्टेंस बनानी है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की जगह इनका मुझे एक रिजल्ट मिल जाए। कैसे बनाऊंगा, टू थ्री का इंटू सबका डिवाइड, टू फोर सिक्स और थ्री नाइन, यानी कि कितना हो गया, टू थ्री सिक्स अपॉन नाइन, दैट मीन्स ये आपका हो गया थ्री टू जा और थ्री थ्री जा, दैट मीन्स ये आपका ओम में अगर वैल्यूज हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी टू बाय थ्री ओम। क्लियर है। अब देखो अब मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों की जगह एक दूसरी आ जाए, तो उसका मतलब क्या, इसका क्या करूंगा, टू फोर जा एट, पड़ोसी का इंटू सबका डिवाइड, तो एट डिवाइडेड बाय नाइन ओम। इसी तरह से यहाँ पे बना दूंगा पड़ोसी का इंटू थ्री फोर जा ट्वेल्व और डिवाइडेड बाय सबका डिवाइड, तो इसका मतलब ट्वेल्व अपॉन नाइन, ट्वेल्व अपॉन नाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, तो डिवाइड करने में थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री थ्री जा, ठीक है, तो फोर अपॉन थ्री ओम। इसका मतलब क्या, मैंने नेटवर्क में कन्वर्जन कर दिया, ये मेरे पास नेटवर्क बन गया, ठीक है। आप इसका यूज कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा भाई, टू बाय थ्री ओम, ठीक है, एट बाय नाइन ओम, और ये हो गया आपका फोर बाय थ्री ओम। इस तरह से मैं डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन विद इन सेकेंड्स में कर सकता हूँ। कितना टाइम लगा, बस मन में सोचना, अगर ये भी ना लिखना होता तो आराम से बहुत जल्दी हो जाता, पांच सेकंड दस सेकंड में कन्वर्जन अपन कोई सा भी कर सकते हैं। नाउ नाउ कम टू द नेक्स्ट कन्वर्जन, दैट इज स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। क्या लिखोगे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, नोट करना है तो उसको फास्ट नोट करो और हेडिंग बनाओ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। ज्यादा हार्ड लिखने से बोर्ड जिद्दी हो जाता है भाई, बहुत देर में इरेज हो पाती चीजें, ठीक है। देखो अब हेडिंग बना दो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। अब इसको याद करने का, इसके फॉर्मूले को याद करने का एक बहुत शानदार सी ट्रिक है मेरे पास, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, जिंदगी में फॉर्मूला तक नहीं भूलोगे कभी, ठीक है ना। देखो मान लो कि मेरे पास ये एक कॉम्बिनेशन, ये एक इस तरह का स्टार बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का स्टार बना हुआ है,
नाउ देखो ध्यान से, ठीक, लेट्स से इसका नाम क्या रखा था हमने, इसका नाम रखा था R1, ये है R2 और ये है आपका R3, क्लियर है। देखो क्या करना है, सिंपल इतना काम करना है कि मुझे इस स्टार को इस डेल्टा में कन्वर्ट करना है ना। डेल्टा कैसा होता है, ऐसा दिखता है, ये डेल्टा हो गया मेरा। इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, नाम क्या रखा था हमने, ये था आर ए, ये था आर बी और ये है आर सी, ठीक है। इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल। देखो ध्यान से, ये रहा मेरे पास आर टू आर थ्री, यानी कि डेल्टा का जो आर सी वाला पोर्शन है, ऊपर देखो ऊपर ये वाला पोर्शन, ये ऐसे बनेगा नीचे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, आर सी यहां लगा होता है ना, वैसे अगर मैं यहां पे डेल्टा बनाऊंगा तो आर सी नीचे लगेगा। देखो अगर मैं यहां पे डेल्टा बनाऊंगा, अगर मैं डेल्टा बनाता तो आर सी नीचे लगता ना इस तरह से, तो बस कुछ नहीं करना, मैं आर सी बना रहा हूं ना, आर सी, तो आर सी की कैप, आर सी के ऊपर देखो कैप लगी है, कैप कैप बर्थडे कैप इसी तरह से लगाते हैं, ये कैप लगी है, कैप ये हो गई कैप और ये हो गया सामने वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो सिंपल इतना सा फॉर्मूला याद रखना है कि कैप का एडिशन, कैप का एडिशन प्लस कैप का इनटू का इनटू अपॉन सामना वाला, अपॉन सामने वाला, सामने वाला, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बस क्या, कैप का एडिशन, क्या, कैप का एडिशन प्लस कैप का इनटू अपॉन सामने वाला, दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन, सब कुछ कर लोगे आप, ठीक है ना। देखो क्या करना है अपन को, कैप का एडिशन कैप का इनटू अपॉन सामने वाला, ये क्या हो गया, लेट्स से, लेट्स से मान लो, देखो जैसे मान लो मुझे आरसी का फॉर्मूला बनाना है, किसका फॉर्मूला बनाना है, देखो ध्यान से, तो आरसी का फॉर्मूला किस तरह से बनाऊंगा, आरसी, आरसी की कैप कौन है, आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो कैप का एडिशन आर टू प्लस आर थ्री प्लस, ठीक है, कैप का इनटू आर टू इंटू आर थ्री अपॉन सामने वाला, दैट मीन्स ये हो गया आर वन, क्लियर। ध्यान से देखो, अगर मुझे क्या कन्वर्ट करना है, जैसे मुझे बनाना है ये वाली साइड, ये वाली साइड मुझे बनानी है डेल्टा की, ये वाली साइड कहां बनती है, ये वाली साइड यहां बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये वाली साइड जो मुझे बनानी है, लेट्स से इसका नाम अगर आर सी था, यह है मेरा आर ए, ठीक है, यह है आर ए, तो आर ए के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैप का एडिशन, कैप का एडिशन, देखो तो आर ए के लिए जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया कैप का एडिशन, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू प्लस कैप का इनटू, तो आर वन आर टू डिवाइडेड बाय सामने वाला, तो इसके लिए सामने वाला, ये कैप हो गई, ये सामने वाला हो गया, ये कैप हो गई और आर थ्री सामने वाला हो गया, तो आर थ्री हो गया सामने वाला। इसी तरह से इसका बना दो, है ना। अगर मुझे ये वाली ब्रांच बनानी होती, ये वाले डेल्टा की ये वाली ब्रांच बनानी होती, तो कैसे बना दूंगा भाई, ये हो गया मेरे पास आर बी, तो आर बी का फॉर्मूला हो जाएगा कैप का इंटू आर वन आर थ्री, आर वन आर थ्री, सॉरी आर वन प्लस आर थ्री कैप का एडिशन प्लस कैप का इंटू R1 R3 डिवाइडेड बाय सामने वाला, और इनके सामने वाला कौन है R2, दैट्स ऑल, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। आपने इस तरह से बस ये फॉर्मूला लगाना है और ये खत्म हो जाएगा। तो मान लो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिल जाता कि ये रहा आपके पास एक स्टार नेटवर्क, वैल्यूज में दे देते हैं, वैल्यूज में ये रहा आपके पास एक स्टार नेटवर्क, तो आप इसको किस तरह से करोगे, क्लियर है। देखो ये मान लो आपके पास यहां पर ये रहा, ये हो गया आपके पास 2 ओम, ठीक है, ये हो गया आपके पास 3 ओम और ये हो गया आपके पास 6 ओम, ठीक है। चलिए भाई इतना काम कर लें, चलिए तो बस सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना। अगर आप 2 ओम और 3 ओम की जगह ये वाली ब्रांच बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, कैप का एडिशन, तो 2 प्लस 3 प्लस कैप का इनटू 2 इनटू 3 डिवाइडेड बाय सामने वाला, इनके सामने कौन है, इनके सामने है 6, तो 6 6 जा, दैट मींस 2 प्लस 3 5 हो गया। देखो यहां से ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 7 ओम की ये रेजिस्टेंस अपनी बन गई, कन्वर्जन हो गया, 7 ओम की रेजिस्टेंस बन गई, कन्वर्जन हो गया भैया, ठीक है ना। चलिए इतना काम अपन कर सकते हैं, 2 3 6, ठीक है। अब देखो एक और चीज करना है, क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसका कन्वर्जन करना है, इसका कन्वर्जन करना है, तो किस तरह से करेंगे, कैप का एडिशन, ये रही कैप, 2 प्लस 6 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय सामने वाला,
तो ये रहा 3, तो आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये कितना है 12, अच्छा ये इतना दिया है, ठीक है भाई 2 6 12 और ये कैंसिल होगा तो भाई 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 12 ओम, कितना हो जाएगा, अच्छा 6 9 12, ठीक है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आपका 12 ओम, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 12 ओम, और इसी तरह से आप इसको भी कन्वर्ट कर दोगे, दैट्स ऑल, इतना काम आपको करना है, तो बस अब उम्मीद कर रहा हूँ कर दोगे ना, कितना टाइम लग रहा है आपको, खुद से देखो ना, मैंने अब आपको करके दिखा दिया, 5 सेकंड ज्यादा आपको लग गए, तो इस तरह से जहां जरूरत पड़ जाए वहां पर स्टार डेल्टा मेथड का हम यूज करते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, स्टार डेल्टा मेथड बनाओ और यूज कर दो, ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब कभी भी जिंदगी में आपको स्टार से डेल्टा का और डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन आएगा तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर दोगे, क्लियर है, तो बस मैं यही चाहता हूं आपसे कि कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा आज की इस वीडियो में। इसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, कंटिन्यूसली आपके जो है ना अभिषेक साहू मेन चैनल है मेरा, और अभिषेक साहू प्रो वो चैनल है जहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्ट वीडियोस क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूं और कराने वाला हूं, क्लियर है, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं और काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो बस मजा लें फिजिक्स का, साइंस का, सब्जेक्ट का, थैंक यू सो मच।